हेलो साथियों, मैं विकास दोहरे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई इनकम में। दोस्तों, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दिया गया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि मैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ऑफिशियल साइट पर हूँ। तो यहाँ पर CPCL की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा टू डॉट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है पीपल एंड करियर में। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। तो आपको रिक्वायरमेंट ड्राइव पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्वायरमेंट ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पर आपको नीचे जाना है रिक्वायरमेंट ड्राइव पे। तो यहाँ पर लिखा है डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको अप्रेंटिस यहाँ पे कराई जाने वाली है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, तो फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा CPCL/TA/2021, और जो इसकी पब्लिश्ड डेट है वो 18 अक्टूबर 2020 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऑफ एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPL की तरफ से आपको स्किल की तरफ से आपको अप्रेंटिसशिप कराई जाने वाली है। तो यहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए अप्रेंटिस है, तो यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है कि यहाँ पर ट्रेड कोड ट्रेड स्लॉट दिया है। तो फिटर की 13 वैकेंसी हैं, यहाँ पर वेल्डर 9 वैकेंसी, इलेक्ट्रीशियन, MMB, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, RAC, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ड्राफ्टमैन, सिविल ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल, कोपा, फूड प्रोटेक्शन जनरल, और इधर लेबोरेटरी ऑपरेटर CP, अटेंडेंट ऑपरेटर CP, अकाउंटेंट, बैंक ऑफिस अप्रेंटिस, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग की वैकेंसी हैं, एग्जीक्यूटिव HR, एग्जीक्यूटिव CS की भी, एग्जीक्यूटिव फाइनेंस F&A, ऑफिस असिस्टेंट। इस तरीके से यहाँ पर वैकेंसी ओपन की गई है। तो यहाँ पर ये डॉलर का जो निशान दिख रहा है यहाँ पर दो में दिया गया है। तो स्किल सर्टिफिकेट होल्डर ही यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जो यहाँ पर आपको हज का स्टार देखने को मिल रहा होगा, तो यहाँ पर ये दो में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर स्टोर कीपर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप फ्रेशर अप्रेंटिस हैं तब भी अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने नोट में एक लिख दिया है कि वन पोजीशन ईच इन फिटर इलेक्ट्रीशियन, यानी कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन की एक एक पोजीशन है जो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी विकलांग के लिए निर्धारित कर दी गई है। और यहाँ पर वन पोजीशन है जो मशीनिस्ट और वेल्डर की है, जो वो डेथ ऑफ हर्ड ऑफ हियरिंग के लिए निर्धारित कर दी गई है। वन पोजीशन है जो एग्जीक्यूटिव CS की एंड एग्जीक्यूटिव HR की, वो यहाँ पर ब्लाइंडनेस एंड लो विजन के लिए निर्धारित कर दी गई है। और वन पोजीशन है जो बैंक ऑफिस अप्रेंटिस की, वो रिजर्व मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व की गई है। तो यहाँ पर इन सभी पदों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में बात की है। आपकी फिटर वेल्डर है जो, इसके लिए आपको योग्यता आपकी जो निर्धारित की गई है वो यहाँ पर पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन एंड ITI फिटर कोर्स से। वेल्डर हैं तो वेल्डर कोर्स से आपको 10वीं के साथ में ITI होना चाहिए। मशीनिस्ट हैं तो 10वीं पास प्लस ITI मशीनिस्ट ट्रेड से। और यहाँ तक आपका ये ड्राफ्ट्समैन सिविल और 12 नंबर तक फूड प्रोडक्शन तक 10th क्लास पास होना चाहिए, और ITI आपने उसी ट्रेड से की है तो आप एलिजिबल हैं।
उसके बाद में यहाँ पर 13 नंबर पे जो देखने को मिल रहा है लेबोरेटरी असिस्टेंट, और इसके लिए पास्ट बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी से अपने बीएससी किया है तभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर अटेंडेंट ऑपरेटर की पोस्ट है, उसके लिए पास्ट बीएससी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अकाउंटेंट के लिए आपके पास योग्यता बी काम होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी योग्यता देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी योग्यताएँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हर ट्रेड की अलग अलग योग्यता है नीचे, और यहाँ पर आपको जो नोट ऑल द ट्रेड ऑल द आईटीआई कैंडिडेट मस्ट पासेस द नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी रिकग्नाइज्ड वाई द नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीवीटी से आपने आईटीआई पास की है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर फॉर द ऑल ट्रेड का जो कोड है उसके लिए आपको यहाँ पर जो परसेंटेज है वो निर्धारित कर दी गई है यहाँ से आप, और जो जनरल ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके मिनिमम 50% मार्क हों तभी वो एलिजिबल होंगे, और एससी एसटी कैंडिडेट 45% मार्क हों तो आवेदन कर सकेंगे, यदि इससे कम हैं तो वो कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट प्रोसेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देन द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल यानी कि जिसके पास जैसे डिप्लोमा बीटेक है वो इसके लिए नहीं एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं एज लिमिट के विषय में। एज लिमिट आपकी जो है मिनिमम 18 ईयर एंड मैक्सिमम 24 ईयर निर्धारित की गई है, वो 1 अक्टूबर 2020 को आपकी होनी चाहिए, यदि इससे कम या ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन और एससी एसटी ओबीसी को मिलती है, तो यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर की छूट मिल जाएगी, जो ओबीसी के हैं उनको 3 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। तो एज रिलैक्सेशन जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं और उनको यहाँ पर 10 ईयर है, और जो विकलांग और एससी एसटी के हैं जनरल के लिए 10 ईयर है, और 13 ईयर ओबीसी के लिए, 15 ईयर एससी के कैंडिडेट के लिए निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इस पॉइंट के विषय में। यहाँ पर ट्रेड कोड 1 से 12 तक आपका जो आईटीआई स्टूडेंट है उनके लिए 8,050 रुपये निर्धारित की गई है, और जो ट्रेड कोड 13 से लेके 20 तक 9,000 रुपये आपको मिलने वाली है, और ट्रेड 21 और 22 के लिए आपको 7,000 रुपये मंथली मिलने वाला है, और जो आपकी 23-24 नंबर की हाई अप्रेंटिसशिप उसके लिए आपको 3,500 रुपये फॉर फर्स्ट 3 मंथ यानी कि शुरुआती 3 महीने तक आपको 3,500 रुपये मिलेंगे बेसिक, और उसके बाद में आपको 7,000 रुपये नेक्स्ट मंथ के बाद में मिलेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा उसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन किया जाना है, तो आपका हाई स्कूल और आईटीआई की मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्रेंटिसशिप करने के लिए। बिफोर अप्लाइंग आपको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन आपको अप्लाई करने से पहले www.apprenticeshipindia.org की साइट पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये लिंक दिया है, आप यहाँ से पहले अप्रेंटिसशिप की साइट पर रजिस्ट्रेशन करिएगा, उसके बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन, फॉर्म को कैसे भरें, फॉर्म को www.cpl.co.in की साइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा, जिसकी लास्ट डेट निर्धारित की गई है 1 नवंबर 2020। 1 नवंबर 2020 तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो यहाँ पर लास्ट डेट के विषय में बात की गई है, तो 1 नवंबर 2020 तक आप आवेदन को भर सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।